क्लास सिक्स 10.3 मेंस्ट्रुएशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड टू आसान था, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, ये निकाला करना निकालना आसान है। डायरेक्ट हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ठीक है, जो दिया आराम से उसके बारे में बात करते हैं। क्या दिया है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग, लेंथ क्या है गार्डन 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर क्या है लॉन्ग है, ठीक है, इस एरिया इसका एरिया दिया गया, एरिया 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, ठीक है, ब्रेथ हमको नहीं पता, ब्रेथ कहा है विड्थ का नहीं पता, ठीक है, बस आसान है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला है, ये रेक्टेंगल है क्यों, लेंथ और ब्रेथ दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लगा देंगे ऐसा आ जाएगा। एल टू बी एरिया रेक्टेंगल दे दिया है पहले से 300, लेंथ दे दिया क्या 50, ब्रेथ दे दिया क्या नहीं पता, क्या 500 अपॉन 50, 500 नहीं 300 है, डब्ल्यू आज 36 के लिए क्या हो जाएगा डब्ल्यू, क्या ब्रेथ क्या है डब्ल्यू, सिक्स क्या सिक्स हो गया, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमने लिखे यहां पे, क्वेश्चन दिया है एक प्लॉट है 500 इसकी लेंथ है 200 इसकी ब्रेथ है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 सब दे सकते हैं, 500 लेंथ है 2 मीटर ब्रेथ है, उसमें क्या टाइलिंग करना है, टाइलिंग मतलब टाइलिंग क्या टाइल्स लगाने हैं, ऐसे ऐसे टाइल्स लगाने हैं, ठीक है, टाइल्स लगाने हैं ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे टाइल्स लगा के, ठीक है, अब क्या टाइलिंग लगाने की कॉस्ट दी गई है 8 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर सब होते हैं कि 100 मीटर स्क्वायर में टाइल्स लगाएंगे सिर्फ 8 रुपए खर्च, 8 रुपए में 100 मीटर स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग अगर बात करें तो 8 अपॉन 100 रुपीज, ठीक है, ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग 8 अपॉन 100 रुपीज, ठीक है, अब करना क्या है भाई, इतना ये क्या है इसके बारे में बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे टोटल एरिया निकाल के इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा हो जाए, काम खत्म, क्या एरिया निकाल, एरिया एरिया निकालेंगे L into B, 500 मीटर 200 मीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 500 मीटर क्या है 10,000 मीटर स्क्वायर, ये क्या है इसके लेंथ और ब्रेथ काम चल रहा है 10,000 मीटर स्क्वायर आ गया, अब क्या है इस 10,000 मीटर स्क्वायर का एरिया जो निकल गया करना क्या है उसमें, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्टिंग दे दी गई है तो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्टिंग निकालनी है, ठीक है, तो कॉस्टिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बोलो क्या 8 अपॉन 100 रुपीज, ठीक है, तो क्या इतनी कॉस्टिंग निकाली है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर कॉस्टिंग क्या है, तो क्या 8 अपॉन 100 × 10,000 जीरो करिए 8 × 100 क्या आ गया आंसर रुपीस, ये कॉस्टिंग है कॉस्टिंग, ठीक है, बस आसान था, तो ये फील्ड दिया गया है, फील्ड में एरिया होगा कुछ, उसका एरिया है उसी एरिया में टाइल्स लगाने, टाइल्स लगाना है, टाइल्स लगाने का खर्चा दे दिया गया है, तो 1 मीटर के उसका कॉस्टिंग निकाल लिए, जितना इस एरिया आ गया उसे मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा आगे काम कर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्या है A room is 4 meter long and 3.5 meter centimeter. क्या है ये देखिए, एक room है, length है 4 meter long, 3 meter 50 centimeter देखिए क्या है, 3 meter 50 centimeter. ऐसे बोलते हैं 3.50 meter और 350 centimeter. ठीक है, अब इसको देखिए कन्वर्जन आसान हो जाएगी, ठीक है, आसान है दे सकते हैं, इसलिए 3.50 मीटर
ठीक है थोड़ा है करना। कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कार्पेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। आसान है भाई, स्क्वायर मीटर के बारे में बात कर रहे ना, जैसे बात किया कहां पे है स्क्वायर मीटर, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर बारे में बात कर दिया, स्क्वायर मीटर बारे में बात करते एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ रूम भाई जितना एरिया स्क्वायर मीटर एक एरिया रूम का होगा उतना ही तो कार्पेट जरूरत पड़ेगी, बस कर दीजिए एरिया ऑफ रूम इक्वल टू एल इन टू बी, क्यों क्योंकि रेक्टेंगल है 4 मीटर इंटू 3.50 मीटर क्या होगा 4.00 मीटर स्क्वायर, आंसर आ गया खत्म कर ठीक है क्वेश्चन हो गया आगे बढ़ते हैं। क्या दिया आपने, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, अ फ्लोर विद फर्श है, फर्श क्या है 5 मीटर लॉन्ग है 4 मीटर वाइड, 4 मीटर वाइड 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कार्पेट है भाई, क्या है स्क्वायर कार्पेट है स्क्वायर से साइड 3 मीटर, 3 मीटर क्या है इसका दोनों साइड्स है ठीक है, इज लैड ऑन द फ्लोर फाइंड एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कार्पेटेड, ये क्या है इसको यहां पे ले रखने तो पूछ रहा है वो एरिया बताइए जो जो कवर्ड नहीं हो पाया, मतलब ये बचा हुआ जो एरिया है उसके बारे में वो बात कर रहा है ठीक है भाई। एक रूम फर्श है, फर्श पे कालीन बिछाया गया तो बिछाया गया कालीन, कालीन बिछाने के बाद क्या होता है वो एरिया जो कालीन से ढका नहीं है वही एरिया फाइंड कर पूछ रहा है, तो करना क्या आपको एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कार्पेट, बस ये करना है एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कार्पेट, लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया फ्लोर that is not carpeted is equal to area of floor minus area of floor plus area yeah carpet area of floor minus क्या 5 into 4 minus area of carpet क्या 3 into 3 total क्या मीटर है मीटर स्क्वायर, ऐसा लगे भाई area of floor that is not carpeted is equal to area of floor minus area of carpet 5 into 4 3 into 3 20 minus 9 21 with meter square क्या हो गया area of क्या एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कार्पेटेड, जो ढकी हुई नहीं है उसके लिए खत्म आगे बढ़ते हैं।